नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सभी दोस्तों को स्वागत है मेरे हिंदी टेक वर्ल्ड में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वह आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने पर्सनल वीडियो या आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो उसके अंदर आप अपने वीडियो के अंदर आप इंट्रो कैसे आप डाल सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इंट्रो डाल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे दो मेथड जिसकी सहायता से आप इंट्रो क्रिएट कर सकते हैं। पहला मैं आपको बताऊंगा अपने स्मार्टफोन के द्वारा आप कैसे इंट्रो क्रिएट कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। और दूसरा मेथड आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप और पीसी की सहायता से अपना इंट्रो आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी जो अगला क्लिप जो आएगा, वीडियो का आएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि वे इंट्रो जो है मैंने अपने फ़ोन से बनाया है और वही आपको मैं बताऊंगा कि वे इंट्रो मैंने कैसे फ़ोन से बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा चलता हूँ अपने प्ले स्टोर में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस रेड बटन की सहायता से चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधा चलते हैं अपने प्ले स्टोर, मगर आप प्ले स्टोर से पहले जो आप इंट्रो आएगा उसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने प्ले स्टोर में आ गए हैं और उस ऐप का नाम है लेजेंड। ये आप देख सकते हैं, इस ऐप को आप अपने स्मार्टफोन में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल सा इंस्टॉलेशन इसका प्रोसेस है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने अपना टाइम बचाने के लिए पहले ही इस ऐप को मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये है वो ऐप, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने ओपन कर लिया, जैसे मैंने ओपन किया आप देख सकते हैं कि इसमें ये आ रहा है कि भाई इसमें आपको कुछ टाइप करना है, जो आपका चैनल का नाम है या आप कुछ आप अपने वीडियो से पहले जो आप इंट्रो बनाना चाहते हैं उसका कुछ नाम मिल जाए तो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो हम इसमें नाम दे देते हैं हिंदी टेक वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। ठीक है, हमने इसमें डाल दिया हिंदी टेक वर्ल्ड के नाम से और इसको मैंने टिक कर दिया, ठीक है। टिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें आपके कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपको इसका बैकग्राउंड अगर कैमरे से लेना है कि जैसे कि आपके सामने काफ़ी अच्छी फ़ोटो, आप चाहते हो कि जो मेरा इंट्रो है उसके बैकग्राउंड के पीछे मैं आप कोई फ़ोटो क्लिक करके लगाऊं तो आप यहां से लगा सकते हैं। अगर आपके गैलरी में ही कोई ऐसी फ़ोटो है जो आप अपने बैकग्राउंड में डालना चाहते हो तो वो भी यहां से डाल सकते हो। और यहां से आपको फ़ोटो नहीं मिल रही तो आप यहां से अपने फ़ोन में आप सर्च कर सकते हो, अगर इसको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, जो इसमें बाई डिफ़ॉल्ट पहले से जो टेम्पलेट फीड है मैं उसी में आपको बना के दिखाता हूं। तो मैंने इसको प्ले के बटन पर क्लिक कर दिया है। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरा टैग हिंदी टेक वर्ल्ड के नाम से आ गया। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, हम इसको दोबारा चल के सही कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जो मैंने वहाँ पे टाइप किया था हिंदी टेक वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं आपको कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले जो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक है सेटिंग है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। सेटिंग में आप देख सकते हैं आपको सबसे फर्स्ट में जो है ये दिया फॉर्मेट का दिया कि आपको जो साइज एक दिया फॉर्मेट दिया एक दिया साइज दिया। फॉर्मेट में क्या है कि आपको स्क्वायर में चाहिए कि आपको लैंडस्केप में चाहिए। तो ऐसे ज़्यादातर जो इंट्रो होते हैं वे लैंडस्केप में काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्क्वायर भी उतने अच्छे खास नहीं लगते हैं, तो मैं इसको लैंडस्केप में रहने देता हूं। अब इसके बाद आपको पूछा है कि जो आपका साइज है वे कौन से आप फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, जैसे 512 पिक्सल वाली चाहिए कि 720 या 1080। तो मैं फुल HD वाली में लेता हूँ, 1080 वाली में ही मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद फिर हम आते हैं नीचे। नीचे आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट में है ये इसके टेस्ट के इसके फॉर्मेट है। आप इसको जो आपको अच्छा लगता है आप चेंज कर सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं जो ये जैसे कि ये L लिखा है, LL, फिर इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो पूरा चेंज है। मीन्स जो नीचे वाला है वो पूरा उसका बैकग्राउंड का है कि आप जो बैकग्राउंड चाहते हैं आप यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो हम एक जो ऊपर में से हम कोई एक चूज कर लेते हैं कि जो हमको आता है पसंद, जैसे मेरे को ये आया पसंद आया, ठीक है, तो मैंने इसको कर लिया। इसके बाद आपको जो बैकग्राउंड पसंद है आप वे बैकग्राउंड इसमें लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। तो हम एक कोई सा भी एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ये वाला ले लिया, बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, आपको फिर यहाँ पे आप उसके नीचे आइए तो आप यहाँ देख सकते हैं एक मैसेंजर का एक सिंबल बना है कि आप इसको आप अपने मैसेंजर में भी डाल सकते हैं। डालने का सेंड करने का तरीका ये है कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद फिर वे क्या करेगा, वो फाइल को मतलब कि क्रिएट करने लगेगा। तो अभी मेरे को सेंड नहीं करना है। और यहाँ पे क्या है कि
आपका शेयर का ऑप्शन है, यहाँ केवल आप फेसबुक मैसेंजर में ही आप इसको शेयर कर पाओगे, मगर यहाँ से आप फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और काफ़ी सारे इसमें आपको ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें दिया है कि आपको शेयर GIF फाइल में करना है कि आपको इसका पूरा ही वीडियो बनाना है। तो एक आपको एग्जांपल के मैं बता देता हूँ, GIF फाइल का ही बता देता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब देखिए इस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, ये हमारा डन हो गया है। अब मैं जैसे ही प्रोसेसिंग मेरा डन हो जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको आप इसमें फेसबुक में भी आप डाल सकते हो, व्हाट्सएप में भी डाल सकते हो, मैसेंजर में भी डाल सकते हो, गूगल प्लस में मीन्स आपको जिसके थ्रू शेयर करना है आप उसको शेयर कर सकते हैं। और ये लास्ट का ऑप्शन है डाउनलोडिंग का है, तो अगर आपको अपने फ़ोन में ही डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें भी आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, एक पूछेगा आपको सेफ GIF के उस फॉर्मेट में पूछेगा, और एक आपको पूछेगा वीडियो के फॉर्मेट। तो मैं इसको एक बार वीडियो के फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरा अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ये मेरा हो गया है, जो उसका प्रोसेस है पूरा हो गया है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे बना है। प्ले स्टोर में गया हूँ मैं, प्ले स्टोर के जाने के बाद आप देख सकते हैं ये है लेजेंड का, इसमें अभी वाला ये वाला है, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये देख, ये हमारा है। हम सिंपल फोन के द्वारा हमने एक जो इंट्रो है वह हमने तैयार कर लिया है, वह भी बिल्कुल सिंपल स्टेप से, और केवल 3 से 4 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया, फोन का हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या पीसी से कैसे इंट्रो जो है आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो इसके नेक्स्ट क्लिप में जो इंट्रो आएगा वह मैंने अपने पीसी से किया है, तो आप देख सकते हैं कि वो मैंने कितने अच्छे से किया है, तो वैसे ही आप भी वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो हम वही जो मैं आपको दिखाऊंगा, इंट्रो दिखाऊंगा, वही इंट्रो मैं आपको दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा कि मैंने कैसे बनाया, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा अपने गूगल में चलते हैं, वहाँ पे आपको आपको टाइप करना है ये जो सॉफ्टवेयर का नाम है ब्लेंडर करके है, ठीक है। तो इसका जो लिंक है ये मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, और आपको ये लिखा है डाउनलोड, जहाँ लिखा है आपको केवल वहाँ पे जाकर आप क्लिक करना है, और ऑटोमेटिक आपके पीसी में हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको जो फ्री जो टेम्पलेट्स होते हैं वे आपको डाउनलोड करने हैं। तो मैं आपको वे बता देता हूँ वे आप कैसे करोगे, डाउनलोड करोगे। आप जाओगे सीधा यूट्यूब में जाओगे, और यहाँ पर आप टाइप कर दोगे कि भाई ब्लेंडर इंट्रो टेम्पलेट फॉर डाउनलोड, मतलब फ्री डाउनलोड। तो यहाँ पे जैसे ही सर्च आप करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये दिखा रही है 6 नंबर पे इसका ये है, फिर आप देखेंगे 5 नंबर पे ये है। तो मीन्स आपको जो आपको इंट्रो का जो टेम्पलेट डाउनलोड करना है उनके डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से मिल जाएगा, और आप यहाँ से जैसे लिखा है ना 1 2 3 जहाँ से लिखा है आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फाइल कैसी हो आएगी आपके कंप्यूटर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फाइल हो गई है मेरी, डाउनलोड हो गई है, और जो उसका एक्सटेंशन है वो आपको डॉट ब्लेंड करके आएगा, BLEND करके आएगा, ठीक है। तो वही फाइल जो मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर बताया था, वही फाइल उसमें ही रन हो पाएगी। तो इसके जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, अगर आप डायरेक्ट इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो वे सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रन नहीं करता हूँ, मैं पहले अपना जो मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसको खोलता हूँ, फिर उसके बाद फिर इसमें इस फाइल को इंसर्ट करता हूँ। यह है ब्लेंडर करके, मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया है, अब ये कुछ देर में ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये मेरा जो ब्लेंडर का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो गया है। अब मैं सीधा जो मैंने फाइल मैंने जो किया था डाउनलोड किया था, पहले उसको करूँगा ओपन करूँगा, फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद ओपन में जाऊँगा। ओपन में जाने के बाद आप देख सकते हैं ये जो भी फाइल थी मेरी वो फाइल मेरे सामने आ गई है, ठीक है। ये तो आप जहाँ जहाँ पर आपने फाइल डाली डाली थी आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने डी में डाली थी, डी में डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाली थी, और ये वाली फाइल हुई है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको करूंगा और यहाँ पे कर लूंगा ओपन कर दूंगा, ये देखिए ये फाइल है ये ओपन हो गई है, ठीक है। तो ये जो मेरा ब्लेंडर जो सॉफ्टवेयर है ये इसका जो मेन्यू है ये पूरा मेन्यू ओपन हो गया है, ठीक है। तो आप इस मेन्यू को देख के आप घबराना नहीं है,
मैं आपको इसमें मेन मेन आपको जो चीज़ें हैं आपको बता दूंगा, केवल आपको वही चीज़ें इस्तेमाल करना है और आप एक अच्छा सा अपने वीडियो के लिए आप इंट्रो बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप राइट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका दिया है, रेंडरिंग का दिया है, ऑप्शन दिया है, ठीक है, कि हम इसमें कैसे इसको रेंडर करते हैं। उसके बाद फिर इसमें दिया है, नीचे दिया है कि जो जो हम क्लिप को रेंडरिंग कर रहे हैं उसका जो वीडियो का फॉर्मेट है वो हमको किस फॉर्मेट में हमको लेना है, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो जो आपको करना है, या तो फुल एचडी में लेना है या 720 में लेना है, जो लेना है आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो मेन है आपका ये है, ये आपको लिखा है ना आउटपुट, आउटपुट में आपको जो यहाँ पे काम कर रहे हो वे फाइल आपको कहाँ सेव करनी है। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर है कि वो फाइल आपको कहाँ सेव करनी है, सीडी, तो यहाँ यहाँ से जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जहाँ था मैं वहीं पे उसको रहने देता हूँ। अब हम सीधे आते हैं, अपने इस पे आते हैं, तो हमको क्या करना है, जहाँ पे ये नेम लिखा है ना, सबसे पहले तो हमको ये नेम को मिटाना है। मिटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो माउस है, माउस से आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा एक, उसके बाद आपको टैप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप टैप करोगे ये हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद फिर आप जो बैकस्पेस है उसकी सहायता से जो लिखा है उसको आप डिलीट कर दो, और यहाँ पे जो आपको अपने चैनल का नाम देना है या जो भी आपको देना है नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं दे देता हूँ हिंदी टेक वर्ल्ड। ठीक है, मैंने दे दिया हिंदी टेक वर्ल्ड। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने नाम दिया है ये थोड़ा इससे बाहर आ रहा है। अब हम इसको छोटा कैसे करेंगे, ये मेन काफी इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। फिर से हम करेंगे इसी के ऊपर करेंगे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद हम फिर से टैप डालेंगे। टैप के बाद फिर आपको भी ध्यान देना कि आपको इसमें एस क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैंने एस किया, प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एरो बन के आएंगे ब्लैक रंग के, तो उसको आप जैसे ही आप जूम इन जूम आउट करोगे तो वे वैसे ही होता रहेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जहाँ जितना बड़ा आपको लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इतने पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, और वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, केवल आपको इतना ही करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें, और जो बाकी का जो प्रोसेस है, ये जो सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर, वे ऑटोमेटिक ये इसका रेंडरिंग करके आपके सामने जो जो आपने इसमें चेंजमेंट किया है वो आपके सामने आ जाएगा। और आप नीचे देख सकते हो, जो ये छोटा सा एक विंडो आप नीचे देख सकते हैं, इसमें क्या है कि ये इतना फ्रेम मलिंस इसमें होगा, रेंडरिंग होगा इसका, ये मतलब कि जीरो से लेकर ये जो हमारा है ये अप्रोक्स 580 तक ये जो इसका फ्रेम का रेंडरिंग होगा। तो इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, ये आपके कंप्यूटर के ऊपर है कि आपका कंप्यूटर कितना स्पीड है। तो जो मेरा कंप्यूटर था इसमें अप्रोक्स 2 घंटे में हुआ, और अगर आपके पास काफ़ी अच्छा है जैसे कि 4i7 का है और रैम उसकी 16 GB है, तो आपका मुश्किल से आधे घंटे में हो जाएगा। तो आपके भी कंप्यूटर पे डिपेंड है कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है, और जितना फास्ट होगा उतना जल्दी होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सीधा आप यहाँ देख सकते हैं एनिमेशन पे आपको क्लिक कर देना है, और इसका रेंडरिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको एनिमेशन पे क्लिक कर दिया, अब आप देख सकते हैं इसका रेंडरिंग का जो है वे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो ये फ्रेम दिखा रहा है 0 फ्रेम, आई मीन्स अभी तक इसका एक फ्रेम भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी एक फ्रेम हो जाएगा, देख सकते हैं, इसके बाद हो जाएगा। ये देखिए हमारा पहला फ्रेम हो गया, तो ऐसे ये जाएगा 580 फ्रेम तक जाएगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ऐसा नहीं कि भाई ये तो हो नहीं रहा है इसको मैं बंद कर देता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही ये बना लिया है अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि अगर मैं 1 से 2 घंटे आपको ये दिखाऊं तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये पूरा रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो इंट्रो है वो कैसा लगेगा। तो आप देख सकते हैं जो मैंने फाइल का मैंने जो दिया था पाल दिया था वो फाइल यहाँ पे सेव हो गई। ये फाइल 9.53 MB की, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि ये जो हुआ है क्रिएट हुआ है, ये कैसे क्रिएट हुआ है आप देख सकते हैं। हमारा जो इंट्रो है वो हो गया तैयार हो गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंट्रो लग रहा है। ऐसे ही आप अच्छे अच्छे इंट्रो आप खुद ही डिजाइन कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपने फोन से और अपने आपका जो पीसी है उसकी सहायता से आप ये डिजाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने
फ्रेंड्स को भी आप बताइएगा इस वीडियो के बारे में कि आप कैसे इस वीडियो को देख के आप इंट्रो खुद घर बैठे तैयार कर सकते हो। और फ्रेंड्स, जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही एक नई वीडियो और एक अच्छी जानकारी के साथ जल्द लौटूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।